मेरा विद्यार्थी काल था, मैं वृंदावन में परिक्रमा, मैंने दिन में दो दो परिक्रमा तो कम से कम दी है। कभी तो मौका मिल गया तो वृंदावन की परिक्रमा तीन भी दे लेता था। दो तो दी हैं, सालों सालों दी। रहने को जगह नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, तो वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में एक आश्रम है, नहीं बताऊंगा नाम। भूख बहुत ज्यादा लगी थी, कई दिन हो गए थे कुछ मिला नहीं खाने को। पंगत में बैठा तो बाजू पकड़ के खड़ा कर दिया, का पर्ची दिखाओ। पर्ची तो थी नहीं। खड़ा खड़ा बहुत देर तक रोता रहा और भगवान को कहा था कि हे प्रभु, कभी यदि तू सबल बना दे तो इतनी कृपा कर देना कि दास तब तक जिंदा रहे, देहली से कभी कोई भूखा ना जाए। भगवान तू कृपा करना। मुझे आज भी एहसास है उस भूख का। मैंने 8 दिन टुकड़ा मिला नहीं था खाने को, बहुत कष्ट हुआ, भारी कष्ट हुआ। कई बार ऐसा हुआ, मैं तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से भी ज्यादा महत्व भूखे को भोजन कराने का समझता हूं। मुझे लगता है कि उस भूखे में वही आकर के भोजन करता है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गांधारी माता को मैंने पढ़ा है महाभारत में, जो इतनी भूखी थी मरे हुए बच्चों की लाश एक के ऊपर एक करके बेरिया के बेर तोड़ने के लिए मृत बच्चों के ऊपर चढ़ गई। बेरिया में से कृष्ण प्रकट हो गए, कहा माँ बुआ क्या है, रो पड़ी गंधारी। गंधारी ने कहा केशव पुत्र, मृत्यु का बहुत बड़ा दुख है, लेकिन कोई धरती पर भूख से तड़फे उससे बड़ा कष्ट नहीं है। इस धरती पर जो भूखे को भोजन कराए हे माधव, इस धरती पर उससे बड़ा कोई दान भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है। माता गांधारी बोली। तो भगवान की कृपा से आटे में कोई घाटा नहीं है, घी के भी हैं दर्शन, ये नहीं है घी के नहीं है दर्शन, आटे में कुछ घाटा नहीं है, घी के भी हैं दर्शन। भी शब्द इसलिए लगाए, बहुत ज्यादा नहीं चुपड़ी होगी तो कुछ तो चुपड़ी होगी ही। वो घी के भी हैं दर्शन, और बिहारी जी के दर्शन करो पड़े रहो बरसन, क्या बात है। हाँ, ईश्वर के दर्शन, उनका भजन करो, आनंद लो प्रभु के चरणों में। वृंदावन बहुत बड़ा तीर्थ है, अद्भुत धाम। स्वर्ग अपवर्ग लेकर के करोगे क्या, तुम जानते नहीं हम वृंदावन वासी है। वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति स्वर्ग मांगता ही नहीं, वो तो बिहारी जी के चरण मांगता है, वृंदावन की परिक्रमा मांगता है, यमुना का तट मांगता है। तो वो क्या करेगा वो स्वर्ग लोकर, वो क्या लेगा स्वर्ग में। स्वर्ग स्वर्ग में यज्ञ नहीं है, यहाँ यज्ञ है। स्वर्ग में कथा नहीं है, यहाँ कथा है। स्वर्ग में महापुरुषों से मिलन नहीं है, यहाँ मिलन है। और यहाँ तो चाहे गुलाब जामुन खाओ, चाहे मंगोड़ा खाओ, खीर पियो, चाहे सो खाओ पियो, ये स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में तो बस थरिया लेके जो दिखाई दे वो बस देखते ही है, वो खाते ही नहीं, उनके भाग्य में ही नहीं खाना। स्वर्ग में देवता खाते थोड़े ही हैं, खाते होते तो त्याई सगरी थरियां खाली नहीं हो जाती, वो तो बस खुशबू लेते हैं, बस खुशबू ले लो। लेकिन यहाँ तो आनंद, चकाचक रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, बेरिया के बेर खाओ, कलीने खाओ, तरबूजा खाओ, खरबूजा खाओ, खीरा खाओ, सवेरे से संजानो खाते ही रहो। यहाँ बड़े बड़े आनंद है। कथा सुनो, तीर्थों में जाओ, वहां कहां ये सब तीर्थ, ये सौभाग्य हमें यहां मिल रहा है। इसलिए ब्रज का व्यक्ति कहता है स्वर्ग अपवर्ग के, स्वर्ग अपवर्ग लेकर के करूंगा क्या, नारायण तू जानता नहीं मैं वृंदावन वासी हूं। वृंदावन का तो रसिक, वो वृंदावन के अलावा कुछ चाहता नहीं। हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं भैया, बिहारी जी के चरण, यमुना की धूल, परिक्रमा मार्ग, तुलसी वन आश्रम का आगन मिला है, गौ माता की कृपा, उसकी छाछ, बस उसी में आनंद ले रहे हैं।